हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। देखो मैंने कई बार बच्चों को कहा है वीडियोस में कि भाई हमारे पास बेसिकली तीन इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स है, पेजिंग, सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी, जो मैं बात कर रहा हूँ UGC नेट पे गेट की बेसिकली। तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक नंबर में, दो नंबर में, पाँच नंबर में आता रहता है, तो उनको भी आने वाली वीडियोस में हम अलग से देखेंगे। बट बात करते हैं आज पहले एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली में है क्या। तो इसको समझने के लिए ना तो पहले थोड़ा सा हमें बैक मारना पड़ेगा ताकि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ सके। तो एक चीज़ अगर आपको ध्यान हो, मेमोरी मैनेजमेंट, जब मैंने ये सेक्शन स्टार्ट किया था आपको मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे करवाए थे जो आपको शायद लगे हो कि पता नहीं क्यों करवा रहे हो, वो आज टॉपिक आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली हमने मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, ठीक है। मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई हिस्ट्री में जब मेन मेमोरी पैदा हुई थी, जब आई थी बेसिकली, तो हमने उसको कैसे कैसे यूज़ करके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हुए आज वर्चुअल मेमोरी पे पहुँचे हैं। तो पहला हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, बेयर मशीन, जहाँ पे हम मेन मेमोरी यूज़ करते थे बट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, खाली सिर्फ मेन मेमोरी पड़ी रहती थी और वहाँ पे कोई हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे, वहाँ पे हम यूज़ करते थे मशीन लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे वहाँ पे। और इस बेयर मशीन ने जन्म दिया था किसको, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है जी। देन बेयर मशीन के बाद हमने स्विच किया किसके ऊपर, रेजिडेंट मॉनिटर, जो हमारे पास सेकंड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन थी, जहाँ पे हमने क्या किया, मेमोरी के पार्टीशन किए, हमने टॉप पार्टीशन पे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम को, बाकी पार्टीशन मैंने दे दिया यूज़र के प्रोग्राम के लिए, ठीक है जी। देन आगे बढ़े, देन मैंने कंसेप्ट लगाया, दिमाग लड़ाया और हमारे पास जो चीज़ आई वो आई थी स्वैपिंग, जिसकी वजह से हमें मिला कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग का। स्वैपिंग ने हमें ऐसी हेल्प करी जिससे हमें पता चला बेसिकली कि एक साथ मैं मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र प्रोसेसेस को कैसे ला सकता हूँ, ठीक है जी। तो स्वैपिंग के बाद जो अगला स्टेप था वहाँ पे हमें पता चला बफर स्वैपिंग का, कि एक साथ मैं दो या तीन प्रोसेस को लाया, जो बेसिकली स्वैपिंग की जो कमियाँ थी बफर स्वैपिंग ने कम्प्लीट करी थी और किस तरीके से मैंने उसको रन किया। वहाँ से हमने पूरी फुल स्पीड में गाड़ी पकड़ी और हम पहुँचे थे, ध्यान करो किस चीज़ पे पहुँचे थे, हम दो कंसेप्ट पे पहुँचे मेमोरी एलोकेशन के, कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन, और हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आया था नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में हमने दो चीज़ें देखी, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। देन हमने नॉन कॉन्टिगस में तीन टॉपिक करे सबसे बड़े, पेजिंग, सेगमेंटेशन और पेज सेगमेंटेशन, या सेगमेंटेशन विद पेजिंग, या जिसे हम पेजिंग विद सेगमेंटेशन कह सकते हैं, जो जस्ट अभी हम ख़त्म करके आए हैं। तो इन कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि हिस्ट्री से कैसे मेमोरी, मेन मेमोरी को हम यूज़ करते हुए डिफरेंट तरीके से आज वर्चुअल मेमोरी में पहुँचे तो है। कॉमन बात के सारे के सारे पिछली सारी जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी है, गौर करो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ, आपको एक कॉमन चीज़ पता चलेगी बेसिकली कि वो कॉमन चीज़ क्या है। सोचो, देखो कॉमन चीज़ क्या है, चाहे मैं बात करूँ कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन की या नॉन कॉन्टिगस की, पेजिंग का कॉन्सेप्ट उठाते हैं, वो क्या कहता है बेसिकली कि एक प्रोसेस के आप पेजेस कर दो, चाहे मिलियन ऑफ पेजेस करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो क्या कहता है कि जाएगा पूरा का पूरा ही प्रोसेस, मतलब हर पेज को आप जहाँ मर्जी फेंको डालो कोई मतलब नहीं, मेमोरी में जहाँ मर्जी जगह दो, बट जाएंगे सारे के सारे पेजेस ही मेमोरी के अंदर, अदरवाइज वो प्रोसेस मेमोरी में नहीं जाएगा। देन आगे स्विच किया एक सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे क्या कहता था कि एक प्रोसेस के आप सेगमेंट्स करते हैं हम उसकी फंक्शनैलिटी के बेस पे, बट सारे के सारे सेगमेंट्स को अगर जगह नहीं मिलेगी तो प्रोसेस नहीं जाएगा मेमोरी में, ओके जी। नेक्स्ट मूव किए किसके पास, पेज्ड सेगमेंटेशन पे, जहाँ पे क्या था कि भी
प्रोसेस को सेगमेंट में किया, सेगमेंट को पेजिंग में किया, बट बात वही थी, जाएंगे सारे के सारे ही पेजेस, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा, चाहे जगह आप जहाँ मर्जी दो कोई मतलब नहीं, बट जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ना, सारे के सारे प्रोसेस को ही जगह देनी है, चाहे जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के, तोड़ फोड़ के जैसे मर्जी ऊपर नीचे फेंको, जहाँ मर्जी फेंको मेमोरी में, कोई मतलब नहीं। बट एक कॉन्सेप्ट था कि देनी तो सारों को ही है, इसको पकड़ा डेवलपर्स ने कि भाई ये जो पॉइंट है कि देनी सारों को ही है, ये काफ़ी परेशान कर रहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये सोचा कि भाई जब सारों को देनी है तो क्यों देनी है, एक चीज़ बताओ, एक प्रोसेस 5 MB 10 MB का है मान लो, तो क्या CPU एक बार में पूरे के पूरे प्रोसेस को रन कर रहा है? नहीं, वो तो एक इंस्ट्रक्शन लेता है, एग्जीक्यूट करता है, देन लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस आगे जाता है, दोबारा से फिर एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, एग्जीक्यूट होती है, लॉजिकल एड्रेस गया, फिर से नई इंस्ट्रक्शन आई, ये प्रोसेस चलता है। बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन एक बार में अगर CPU एग्जीक्यूट कर रहा है तो मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है कि मैं सारे के सारे प्रोसेस को ही डालूं, जब एग्जीक्यूट ही एक करनी है। तो जो भी आर्किटेक्चर थे उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी हमें टेक्निक मिल जाए जिससे मुझे सारे के सारे पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को मेमोरी में डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सीधी सी बात है, जब एग्जीक्यूटी एक इंस्ट्रक्शन एक बार में हो रही तो सारे के सारे प्रोसेस को डालने की क्या ज़रूरत है? तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक ढूंढी गई, उस टेक्निक का नाम था मेरे पास वर्चुअल मेमोरी। गॉट इट? क्या चीज़ की वर्चुअल मेमोरी? अब मेरे पास क्या डेफिनेशन को देखो, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें अलाउ करती है, जो हमें परमिशन देती है कि क्या कि मैं भाई एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बिना ये सोचे हुए कि मुझे उसको कम्प्लीटली मेमोरी में डालना है, बस मैं एक स्मॉल पार्ट को मेमोरी के अंदर डाल के उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। बात समझे? वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके जो हमें परमिशन देती है, अलाउ करती है कि आप अपने प्रोसेस को रन कर सकते हैं। आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मेमोरी के अंदर डालना है। गॉट इट? अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं एक बार कि वर्चुअल मेमोरी अब है क्या। टेक्निक तो पता चल गई हमें, ठीक है। मैंने बात करी, देखो मेरे पास स्टोरेज डिवाइसेस आते बहुत सारे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क भी कहते हैं अपने जनरल जो यूजर्स होते हैं, देन बात करूं रैम यानी प्राइमरी मेमोरी या फिजिकल मेमोरी, ठीक है जी, या बात करूं रजिस्टर्स की, या बात करूं कैश मेमोरी की, कौन से स्टोरेज डिवाइस है बेसिकली, ये कौन सी मेमोरीज है? ये वो मेमोरीज है जिसको मैं CPU को खोल के देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, वाकई में हार्ड डिस्क को निकाल सकते हैं, रैम को निकाल सकते हैं, रजिस्टर सर्किट बोर्ड पे इनबिल्ड होते हैं, देख सकते हो, वर्चुअल सॉरी जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो अलग से लगी होती है, उसको भी देख सकते हो, ऑब्वियस है। बट क्या मैं वर्चुअल मेमोरी को देख सकता हूँ या कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं, वर्चुअल मेमोरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है, ये कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जिसे आप खरीद सकते हो, बोल सकते हो कि दुकान पे गए बोल दो अंकल जी 2 GB की वर्चुअल मेमोरी दे देना, तो वो भी सोचेगा भाई ये कौन सी चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो वर्चुअल मेमोरी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक टेक्निक, एक मेथड है जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि मैं एक साथ पूरे के पूरे प्रोसेस को ना डाल सकूं, फिर भी अपना प्रोग्राम या प्रोसेस रन कर सकूं। गॉट इट? अब यहाँ पे हम एडवांटेजेस देखते हैं बेसिकली कि वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट लाया कि एक साथ मुझे पूरे के पूरे प्रोसेस को डालने की जरूरत नहीं है, तो इससे मुझे क्या फ़ायदे होने वाले हैं पहले, ठीक है, क्या चीज़ सोच के आई थी जो फ़ायदे देगी उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रोग्रामर शुड नॉट वरी अबाउट द साइज ऑफ अवेलेबल फिजिकल मेमोरी यानी मेन मेमोरी। अब प्रोग्रामर को यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी कितने साइज की लग रही है, कितनी खाली रह गई है, उसको सिर्फ फोकस किस पे करना है, अपने प्रोग्राम पे। पहले कई कॉन्सेप्ट, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते थे जहाँ पे मेमोरी पे डिपेंड होना पड़ता था कि इतनी तो खाली हो हमारे पास, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामर फ्रीली अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकता है बिना इस चीज़ को सोचे हुए कि मेमोरी कितनी अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो जो इसी से जुड़ा हुआ, वो कहता है कि बिगर साइज प्रोग्राम्स नाउ कैन इजली बी एग्जीक्यूटेड। अब जो बड़े साइज के प्रोग्राम्स बनते हैं वो कहता है अब उनको भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर वर्चुअल मेमोरी
इम्प्लीमेंट होगी हमारे उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। भैया बड़े प्रोग्राम का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोग्राम इतने बड़े साइज के होते हैं जो कि हमारी जो फिज़िकल मेमोरी 2 GB की 4 GB की लगी उससे भी बड़े होते हैं। तो डेवलपर को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है तो क्या ये 2 GB 4 GB रैम में चल जाएगा, नहीं उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वर्चुअल मेमोरी क्या कहती है, थोड़ा सा जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको पकड़ेगी, सीधा थोड़ा सा डालो और अपना काम चलाओ, ठीक है जी। अगला तीसरा पॉइंट कहता है कि द अमाउंट ऑफ द स्पेस इन यूज बाय अ प्रोसेस मे बी वेरीड ड्यूरिंग इट्स मेमरी रेजिडेंस। अब ये कहते हैं कि भाई एक प्रोसेस जो मेमरी में रेजिडेंट है, मतलब रह रहा है, जिसको जगह मिली है कुछ, मतलब प्रोसेस में कुछ किसी चीज़ को थोड़ी सी जगह ही मिली है, चाहे 5 MB का प्रोसेस है, मान लो उसको 1 MB की जगह मिल गई है जिससे अपना काम चला रहा है, तो ये कह रहा है कि जो अमाउंट उस वो यूज़ कर रहा है उसको हम वेरी कर सकते हैं। मतलब कि भाई जितना भी हमने 1 MB की जगह रन टाइम पे उसको हम 2 MB भी कर सकते हैं, 1 MB की जगह उसको 512 KB भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वेरीड कर सकते हैं, ठीक है जी, चेंज कर सकते हैं मतलब। तो बट उसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, तो उसके फ़ायदे देखो नीचे एक दो पॉइंट में है हमारे पास, कि जिसका एज ए रिजल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस मे बी स्पीड अप, ठीक है जी, बाय अलॉटिंग देम मोर रियल मेमोरी। भाई अगर मैं रन टाइम एक प्रोसेस मान लेते हैं, पहले हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, ओके, तो पिछले कंसेप्ट क्या कहते थे, मिलेगी तो पूरे के पूरे प्रोसेस को जगह मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब मेमोरी से मैं स्पेस ही नहीं बना पा रहा, तो जो इंपॉर्टेंट या हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया उसको रन कैसे करूँ, जगह तो देनी है। तो रन टाइम पे अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई अगर मैं मेमोरी का स्पेस जो अलॉटेड है पहले से पड़े उनके कम कर दूँ तो क्या होगा, जो हाई प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंट प्रोसेस आएंगे उनको मैंने जगह दी, अब उससे क्या होगा, इनकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी, वो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस या जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो रन हो सकते हैं, ओके, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, वाकई में हो जाएगी। भाई रीज़न क्या है कि भाई अब पूरा का पूरा प्रोसेस मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पेजिंग है सेगमेंटेशन, नहीं जितनी अगर लास्ट में जगह बच गई तो कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी में, उतने साइज का उसका डेटा पेज जो भी है उसको लाओ और मेमोरी में रख दो ताकि मैं मेमोरी को यूटिलाइज कर सकूं और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर सकूं। यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली 2 से 3 पॉइंट कवर करती है, बट हम एक आधा ही डिस्कस करते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि इसका टारगेट क्या है कि मैं मेमोरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, प्रोसेस को लाऊँ, ठीक है जी। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तो यही था कि मैं मेमोरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस लाऊँ। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था कि जिससे क्या मिलने वाला है कि भाई जैसे ही कोई प्रोसेस जो CPU पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए या किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग में चला जाए तो हम क्या करें, दूसरा प्रोसेस जल्दी से CPU को दे सके। तीसरा सबसे बड़ा जो उसका रीज़न था मल्टी प्रोग्रामिंग का, जो कॉन्सेप्ट कहता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का, वो कहता है कि भाई हमें CPU को या मेमोरी में ऐसे, हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, पहले इसको समझो। एक होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, मैंने पहले भी समझाया हुआ इस कॉन्सेप्ट को। मेरे पास 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड, ठीक है जी, और दूसरा होता है मेरे पास CPU बाउंड। ये 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, ठीक है जी, और CPU बाउंड कौन सा होगा, जो प्रोसेस में जो जिस प्रोसेस को CPU की ज़रूरत ज़्यादा है। अब अगर मैं CPU को इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस ला के देता रहूँगा तो क्या मैं मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर पाऊँगा या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन कर पाऊँगा, नहीं। क्या होगा, प्रोसेस आया जल्दी से, अब एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है कुछ होता ही 1 मिलीसेकंड के बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी इनपुट आउटपुट की, वहाँ चला जाएगा वेटिंग में चला जाएगा, फिर दूसरे को लाओ, ऐसे क्या होंगे सारे वेटिंग में चले जाते जाएंगे, तो क्या होगा आखिरी में कि लाइन लगी हुई है इनपुट आउटपुट के प्रोसेस की हमारे पास, जो एग्जीक्यूट होना चाहते जिनको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, CPU खाली बैठा हुआ है, तो क्या करें। तो हमें मिक्सचर ऐसा रखना पड़ता है
कि भाई हर चीज़ मेंटेन रहे, कि अगर कुछ प्रोसेस मेरे इनपुट आउटपुट के काम के लिए चले गए हैं तो सीपीयू को ऐसे प्रोसेस भी मिले जो सीपीयू बाउंड हो, जो सीपीयू की जरूरत जिनको ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा सीपीयू भी खाली नहीं बैठेगा और हमारे पास मेमोरी के अंदर प्रोसेस भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट समझो कि वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली डिमांड पेजिंग से। भाई अब कोई तो टेक्निक हमारे पास, कुछ तो फंडा होना चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। टेक्निक तो हमें दे दी बट डाले किस में उस टेक्निक को, तो उस टेक्निक का नाम था बेसिकली डिमांड पेजिंग की, जिसको हम यूज़ करके जो कि क्या यूज़ करती है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट और क्या एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करेगी कि एक बार में आपको पूरे के पूरे प्रोसेस को मेमोरी में लाने की ज़रूरत नहीं है। देखो डिमांड पेजिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो वर्चुअल मेमोरी प्लस पेजिंग को जोड़ा हुआ है हमने, जहाँ पे पेजिंग का कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी के साथ। बट हमारे पॉइंट्स में हमने देखा कि सेगमेंटेशन भी थी और पेज सेगमेंटेशन भी थी, ठीक है, दो चीज़ें और थी, हम उसको भी जोड़ सकते हैं वर्चुअल मेमोरी के साथ, बट वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादातर वो यूज़ नहीं की जाती। ज़्यादातर आपको मशीन्स के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए मिलेंगे वर्चुअल मेमोरी के साथ। ठीक है, तो ये थे आपके पॉइंट्स। एक बार डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्राम को अब देख लेते हैं कि डायग्राम कैसे क्या बना हुआ, क्या बता रहा है। तो डायग्राम के अंदर ये है वर्चुअल मेमोरी, ये है पेज टेबल, ये है मेन मेमोरी और ये है सेकेंडरी मेमोरी। अब आप सोचोगे कि वर्चुअल मेमोरी तो कहीं दिखती नहीं, तो ये कैसे प्रेजेंट की हुई है। देखो यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी है इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो हमारा प्रोसेस पड़ा हुआ हुआ है स्कैटर्ड फॉर्म में, कोई पेज उसका कहीं पड़ा है, कोई पेज उसका कहीं पड़ा है, ठीक है, तो उसको हमने सिर्फ इकट्ठा एक वे में रिप्रेजेंट किया है कि कौन सा किस एड्रेस पे पड़ा होगा, वो उसको बस हम प्रोसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेजेस की फॉर्म में और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कंसेप्ट कैसे चलेगा कि कुछ पेजेस सपोज कर लो हमारे पास मेन मेमोरी में आ गए, हमने स्टार्टिंग में डाल दिए, ठीक है, कुछ पेजेस। अब याद रखना कुछ पेजेस की बात हो रही है, पूरे के पूरे प्रोसेस की बात नहीं हो रही, और उनकी एंट्रीज हमने पेज टेबल में कर दी। अब सीपीयू ने कोई ऐसे पेज की डिमांड करी जो बेसिकली हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, उसको हम सर्च करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से लेके आएंगे और उसको डालेंगे और साथ ही साथ पेज टेबल के अंदर एंट्री कर देंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि भाई अब जो वर्चुअल मेमोरी है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है हमारे डिमांड पेजिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो डिमांड पेजिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि पेजिंग का जो कंसेप्ट यूज़ करके और वर्चुअल मेमोरी को आपस में जोड़ के एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है डिमांड पेजिंग, तो किस तरीके से बेसिकली चलता है और किस तरीके की प्रॉब्लम्स को इसने दूर किया। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।